मंडल राव जी मंदिर के सामने ठीक यहाँ पर अहिल्या देवी का जो स्मारक है वो है, ये उसका गेट है। मैं और जूम करके ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, वरना टाइम खत्म हो जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। ये जो है आप लोगों को लग रहा है ये डिजाइन है, ये डिजाइन नहीं है, ये नागोबा है। ये एक नाग है, यहाँ से शुरू होता है इनका मुंह है, और कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया है कि इसका जो पूंछ है वो यहाँ पर है। ये जो है ये पूंछ है, देख रहे हैं, लगेगा बहुत सारे डिजाइन है लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक नाग है। और बाजू में जो है ये ऊपर ये नाग कन्या है, एक नाग कन्या यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो जाता है। बहुत सारे नाग कन्या हैं आसपास। वाह, तो जस्ट इमेजिन द आर्किटेक्चरल ब्यूटी दैट टाइम पीपल मेड विदाउट एनी आधुनिक, हाँ विदाउट एनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, सिर्फ चेनी हथौड़ी। वंडरफुल, चलिए आगे चलते हैं। अहिल्या देवी का स्मारक है माँ साहब, लेकिन है शिव जी का ही शिवलिंग विराजमान है यहाँ पे। श्री राम मंदिर, दीप स्तंभ के जो दीप के स्टैंड रहते थे यहाँ पे, तो वो जो स्टैंड है उनको भी कैसा बारीक काम दिया है। ये श्री राम मंदिर का बाहरी भाग है।
तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अहिल्या बाई होलकर के जो माँ साहब है उनके स्मारक से। ईश्वर के दर पर खड़ा होकर ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सकारात्मकता और स्वास्थ्य बनी रहे। चलो बहुत बड़ा है।